स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। सो फाइनली आज के इस वीडियो में भी हम लोग दो चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 20 और 21। इन दोनों चैप्टर को मात्र आज के इस एक वीडियो में हम लोग पूर्ण रूप से एकदम हंसते खेलते हुए कंप्लीट करेंगे। दोनों चैप्टर गज़ल है और इन दोनों गज़ल के राइटर एक ही हैं, जिनका नाम है यगाना चंगेज़ी। और इन दोनों गज़ल को पढ़कर, हर एक लाइन को पढ़कर उसका तशरीह करूँगी, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में तशरीह करने के लिए 5 नंबर का आता है। याद रखिएगा, किसी भी गज़ल का कोई भी शेर उठा कर दे सकता है, 4-5 शेर उठा कर दे देता है और कहता है कि दर्ज ज़ैल अशआर में से किसी दो की तशरीह करें, ठीक है ना, और उसी के लिए आपको 5 नंबर मिलता है। तो हर एक गज़ल के प्रत्येक लाइन को पढ़कर अगर आप लोग मतलब समझे रहेंगे, मानी आप लोगों को पता रहेगा, तभी तो आप लोग तशरीह कर पाएंगे ना, खुलासा कर पाएंगे। तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि ये गज़ल की तशरीह करूँगी मैं, प्रत्येक लाइन को पढ़कर आप लोग ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले ज़रा हम लोग यगाना चंगेज़ी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में कुछ डिटेल्स आप लोगों के बुक में दिया गया है। और नो डाउट यगाना चंगेज़ी जी से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां कहां से किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों को बताते चलूँगी। बस आप लोगों को वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बिना स्किप किए कम्प्लीट देखना है, ताकि इस चैप्टर से किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप लोग छोड़ करना है, ठीक है। और स्टार्टिंग में ही आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग को शेयर कर देना है अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों के पास, छोटे बड़े अगर आप लोग के भाई बहन हैं, जितने भी आप लोग के रिश्तेदार हैं, चाहो तो आप शेयर कर दें, ठीक है। चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं, हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 20 और 21 इन दोनों चैप्टर को हम लोग कम्प्लीट करते हैं, जो कि दोनों चैप्टर गज़ल है। और इन दोनों गज़ल के राइटर कौन है, यानी कि शायर कौन है, वो है यगाना चंगेज़ी। तो यगाना चंगेज़ी जो है ना, ये मशहूर हुए यगाना चंगेज़ी के नाम से, लेकिन इनका पूरा नाम है मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी। याद रखिएगा, यगाना चंगेज़ी का पूरा नाम क्या है, मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी। जिस भी ऑप्शन में दिखाई दे उस ऑप्शन को धीरे से टिक कर देना है आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यगाना चंगेज़ी की पैदाइश कब हुई थी, तो 17 अक्टूबर 1884 ईस्वी को पटना के मुगलपुरा में, पटना सिटी के मुगलपुरा में इनकी पैदाइश हुई थी 17 अक्टूबर 1884 ईस्वी को। और इनके वालिद या इनके पिताजी का नाम था मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन उर्फ मिर्ज़ा प्यारे साहब। मतलब इनके वालिद का जो उर्फ था वो था मिर्ज़ा प्यारे साहब। उर्फ तो आप लोगों को पता ही होगा, वह ख़ास नाम जो बचपन से ही पुकारा जाता आया हो, मतलब कि वालिद या फिर वालिदा या फिर घर वाले जो है ना, आप में कोई खूबी है या फिर आप में कोई कमी है, उसी बिना पर आपको एक ख़ास नाम से पुकारते हैं। हालांकि आपका एक रियल नेम अलग है, आपका असली नाम के अलावा एक ख़ास नाम से पुकारा जाता है आपको, तो उसी को कहा जाता है उर्फ। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो बचपन से उसको गुड़िया गुड़िया पुकारा जाता है, ठीक है, तो गुड़िया क्या हो जाएगा, उसका उर्फ हो जाएगा। उसी तरीके से मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन जो यगाना चंगेज़ी के वालिद थे, उनका उर्फ क्या था, मिर्ज़ा प्यारे साहब। और आगे बात करते हैं यगाना चंगेज़ी की, तो यगाना चंगेज़ी की इब्तदाई तालीम जो है ना, वो मौलाना सईद हसरत के मदरसे से मिली थी। मौलाना सईद हसरत के मदरसे से, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यगाना चंगेज़ी की इब्तदाई तालीम कहाँ से मिली। ऑप्शन में दिया रहेगा मौलाना सईद हसरत के मदरसे से, ठीक है। और जब ये इब्तदाई तालीम हासिल कर लिए, मतलब शुरुआती शिक्षा लिए मौलाना सईद हसरत के मदरसे से, तो फिर उसके बाद से इनका दाखिला हो गया मोहम्मदन एंग्लो अरबिक स्कूल में, और फिर वहाँ पर ये पढ़ाई करने लगे, ठीक है। 1903 में इन्होंने इंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लिया, और 1904 में ये कलकत्ता चले गए, लेकिन फिर ये पटना वापस आ गए। 1905 में लखनऊ इलाज के लिए गए थे, अलग अलग जगह जाते रहे और अलग अलग जगह पर ये नौकरी भी किए थे। देखिए आगे लिखा हुआ है, 1913 में इनकी शादी भी हो गई कनीज़ हुसैन से। कनीज़ हुसैन जो थी ना, ये हकीम मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी सिराज़ी की बेटी थी, साहबजादी थी, याद रखिएगा। 1913 में यगाना चंगेज़ी की शादी किससे हुई, तो कनीज़ हुसैन से। और कनीज़ हुसैन किन की बेटी थी, तो शफ़ी सिराज़ी की, यानी कि हकीम मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी सिराज़ी इनका पूरा नाम है, ठीक है, तो उन्हीं की बेटी थी कनीज़ हुसैन। अब देखिए 1923 ईस्वी तक ये अवध अखबार में नौकरी करते रहे,
यगाना चंगेजी जो है ना, देखिए 1903 में इन्होंने इंट्रेंस का एग्ज़ाम पास किया था, 1904 में कलकत्ता गए थे और फिर वो पटना वापस आ गए। 1905 में लखनऊ इलाज करने के लिए गए थे और उसके बाद से 1913 में तो खैर इनकी शादी हो गई और 1923 तक ये अवध अखबार में नौकरी किए थे। 1923 तक ये कहाँ नौकरी किए थे, तो अवध अखबार में नौकरी किए थे। उसके बाद से ये रेलवे में क्लर्क बन गए, ठीक है, क्लर्क के पोस्ट पर ये काम करने लगे और 1924 में ये इस्लामिया हाई स्कूल में मुलाजमत करने लगे। 1924 में ये कहाँ चले गए, इस्लामिया हाई स्कूल में, वहाँ पर जाकर नौकरी करने लगे। तो अलग अलग जगह पर ये नौकरी किए थे। 1926 में असगर गोंडवी और जिगर मुरादाबादी के साथ लाहौर आकर उर्दू मरकज़ से वाबस्ता हो गए। देखिए ये एजुकेशनल डिपार्टमेंट का नाम है उर्दू मरकज़, ठीक है। तो 1926 में ये असगर गोंडवी और जिगर मुरादाबादी के साथ कहाँ आ गए, लाहौर आ गए, और लाहौर आकर जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट था उर्दू मरकज, इससे संबंधित हो गए, यहाँ पर ये काम करने लगे, ठीक है। और फिर क्या हुआ, लाहौर में जब आए थे तो उसी वक्त जो है ना इनकी मुलाकात अल्लामा इकबाल से भी हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ दे, हालांकि आज तक तो पूछा नहीं गया है। 1927 में ये गए थे हैदराबाद, देखिए 1926 में ये आए लाहौर और लाहौर आकर उर्दू मरकज़ इस एजुकेशनल डिपार्टमेंट में आकर जुड़ गए, इससे संबंधित हो गए। और फिर ये 1927 में कहाँ चले गए, हैदराबाद चले गए और हैदराबाद में कुछ दिनों तक रहे। उसके बाद से वहाँ पर काम किए, मतलब हैदराबाद में ही रहकर काम किए, अलग अलग जगह पर ये नौकरी किए थे, अलग अलग पोस्ट पर ये नौकरी किए। और फिर 1942 में इनका रिटायरमेंट हो गया और रिटायर होकर लखनऊ ये फिर से वापस आ गए, ठीक है। और देखिए इनके जो दोनों बेटे हैं थे और बड़ी बेटी थी और इनकी जो बेगम थी, देखिए मैं लिख दी हूँ, दोनों बेटे, बड़ी बेटी और बेगम यगाना, यानी कि यगाना चंगेज़ी की बेगम। तो यगाना चंगेज़ी के दोनों बेटे, बड़ी बेटी और उनकी बेगम जो है ना, 1951 ईस्वी में पाकिस्तान चले गए। अब इनका पूरा फैमिली ही पाकिस्तान चला गया तो ये हिंदुस्तान में अकेले रह नहीं पाए, ये भी पाकिस्तान पीछे पीछे चले गए और अपने फैमिली को 1952 में वापस हिंदुस्तान लेकर चले आए, ठीक है, ये याद रखना है। और इनका इंतकाल हो गया था 4 फरवरी 1956 ईस्वी को। ऑप्शन में अगर 3 फरवरी दिया रहेगा तो 3 फरवरी टिक कीजिएगा, 4 फरवरी दिया रहेगा तो 4 फरवरी टिक कीजिएगा, दोनों एक साथ तो कभी देगा नहीं। तो यगाना चंगेज़ी का इंतकाल हो गया था 3 फरवरी 1956 ईस्वी को और इनको दफन किया गया विक्टोरियागंज में, ठीक है। और लास्ट में इनकी कुछ अहम किताबों का नाम दिया गया है, जैसे कि निस्तर यास, आयात वजदानी, तराना वगैरह वगैरह, बहुत सारी किताबें हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट किताब का नाम मैं लिख दी हूँ, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर यगाना चंगेज़ी के बारे में सारा डिटेल्स कंप्लीट होता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दोनों गज़ल की तशरीह करूँगी प्रत्येक लाइन को पढ़कर। अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक तो बनता है। अभी तक जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाई हूँ, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक बनता है, फटाफट लाइक कर दे और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दे। चैनल पर नए नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है। क्यों ऑन करना है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट, नहीं तो इसका पीडीएफ भी तो टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाता है, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़कर पीडीएफ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। अब बात आती है तशरीह करने की। सबसे पहले मैं पहली गज़ल को पढ़कर उसका तशरीह करूँगी तो चैप्टर नंबर 20 कंप्लीट हो जाएगा, और उसी तरीके से दूसरी गज़ल को पढ़कर मैं तशरीह करूँगी यानी कि मानी बताऊँगी। देखिए तशरीह करने का मतलब क्या हुआ, शेर का मानी लिखकर बयान कर देना ही क्या कहलाता है, तशरीह कहलाता है। उस शेर में शायर क्या बताना चाहा है लिखकर बयान कर देना तशरीह कहलाता है, ठीक है। तशरीह करना या फिर खुलासा करना आप यूँ कह सकते हैं। तो जब दूसरी गज़ल की तशरीह कर दूँगी मैं तो चैप्टर नंबर 21 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट दोनों चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए पहली गज़ल के शुरुआत में लिखे हैं यगाना चंगेज़ी कि अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, हवस ने शौक के पहलू दबाए हैं क्या क्या। ये पहली गज़ल का पहला शेर है, अगर आप लोग खुद पढ़ेंगे ना तो हल्का हल्का मानी समझ में आएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, यानी कि अदब जो होता है ना वो दिल की ख्वाहिशों पर रोक लगाता है, हमारे शौक पर रोक लगाता है और हमें सही रास्ते पर चलाने की कोशिश करता है। एज ए एग्ज़ाम्पल, आप लोग चाहते हैं कि आप लोग हमेशा मोबाइल चलाते रहें, रील्स शॉर्ट्स वगैरह देखते रहें, किसी का कोई रोक टोक ना हो, आप अपनी मनमानी करना चाहते हैं, कोई आपको बोले ना, आप किसी को बोल दें, ठीक है, आप अपना मनमानी करें, मोबाइल 24/7 आवर्स देखते ही रहें, रील्स वगैरह देखते रहें, ये आपका मन करता है, आपका ख्वाहिश है। लेकिन क्या अदब आपको इजाज़त देगा कि आप 24/7 आवर्स मोबाइल चलाते रहें और अपनी मनमानी करते रहें,
नहीं। तो वही बोला जा रहा है कि अदब जो होता है ना, वो दिल की ख्वाहिशों पर, दिल के तकाज़ों पर जो है रोक लगाता है, लेकिन हवस ने शौक़ के पहलू दबाए हैं। क्या क्या बोला जा रहा है कि हवस जो होता है ना, वो आपके शौक़ को पूरा करने के लिए आपको मोटिवेट करता है। हवस जो होता है वो चाहता है कि आप अपने शौक़ को पूरा करें, अपने ख्वाहिशों को पूरा करें, आप बिगड़ें। आप मोबाइल चलाना चाहते हैं तो मोबाइल 24/7 चलाते रहें। मतलब कि हवस जो होता है ना, आपके शौक़ को बढ़ावा देता है, आपकी दिल की ख्वाहिशों को बढ़ावा देता है। और वहीं पर अदब जो होता है वो आपकी दिल की ख्वाहिशों पर रोक लगाता है। अदब आपको सही रास्ते पर चलाने की कोशिश करता है। आगे देखिए लिखा गया है कि इसी फरेब ने मारा कि कल है कितनी दूर, इस आजकल में अब दिन गवाए हैं क्या क्या। यहाँ पर यगाना चंगेज़ी का कहना है कि मुझे इसी धोखे ने मार दिया कि कल तो अभी बहुत दूर है। मैं यही सोचता था कि अभी कल बहुत दूर है, इस काम को बाद में कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, और इसी आज कल में मैंने बहुत ही ज़्यादा दिन गंवा दिए। अब समय छूट चुका है, मुझे इसी धोखे ने मार दिया कि कल है कितनी दूर, कल बहुत दूर है, इस काम को बाद में कर लेंगे, मैं हमेशा टाल दिया करता था, अब तो समय छूट चुका है ना, मैंने बहुत दिन गंवा दिए हैं। इसी वजह से जो काम अभी करनी होती है उसको अभी करो, कल पर कभी नहीं टालना चाहिए। आप लोग सुने भी होंगे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो गए बहुरी करेगी कब। ठीक है, तो वही बात है, जो काम अभी करनी है उसको अभी करो, जो कल करनी है उसको कल करो। ठीक है, और कल का काम अगर आप लोग अभी कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, समय के हिसाब से, समय के साथ आपकी जो रेस लगी हुई है उससे आगे निकल सकते हैं। ठीक है, पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए, इसी ज़मीन में दरिया समाए हैं क्या क्या। यहाँ पर जो है ना बोला जा रहा है, यहाँ पर एक तारीखी वाक़े की तरफ इशारा किया गया है, फरहाद और शीरी की कहानी की तरफ इशारा किया गया है। फरहाद और शीरी आप लोग जानते होंगे, उनकी कहानी है, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और फरहाद जो है ना वो चाहता था कि शीरी से निकाह कर ले, लेकिन शीरी के जो वालिद थे वो बोले फरहाद से कि अगर तुम मेरी बेटी से निकाह करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, तो सामने जो पहाड़ दिख रहा है ना उसको काट कर उसमें से, मतलब पहाड़ को काट कर बीच से दूध का नहर निकालो, ठीक है, तब मैं तुम्हें इजाज़त दूंगा अपनी बेटी से निकाह करने का। तो फरहाद चला गया, पहाड़ काटने लगा, पहाड़ काटने लगा, और यहाँ तक कि पहाड़ उसने काट भी दिया, दूध का नहर भी निकाल दिया, लेकिन जब ये मतलब वो जीत गया, मतलब वो पहाड़ काट कर जो है दूध का नहर भी निकाल दिया, जीत गया, लेकिन फिर उसी वक्त उसको पता चला कि शीरी का इंतकाल हो गया है, जिसे वो मोहब्बत करता है उसकी मौत हो गई है, और उसी वक्त वो भी अपना जान दे बैठता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए, यानी कि पहाड़ काटने वाला उतना ताकतवर इंसान फरहाद, वो भी ज़मीन से हार गया, आखिर उसको भी इसी ज़मीन में दफनाया गया। इसी ज़मीन में दरियाए समाए हैं क्या क्या, इसी ज़मीन में दरियाए समाए हैं क्या क्या, यानी कि बहुत बड़े समुद्र, नदी, दरिया, सागर, महासागर जो है ना आप यूँ कह सकते हैं, इसी ज़मीन में समाए हुए हैं। ठीक है, यानी कि इस शेर के ज़रिए शायर ये बताना चाहते हैं कि चाहे आप कितने भी बड़े आदमी क्यों ना बन जाएं, आखिर में आपको इसी ज़मीन में दफन होना है। ठीक है, इसी ज़मीन में दरियाए समाए हैं क्या क्या, इसे यही बताने की कोशिश किया जा रहा है। यह उतना ताकतवर इंसान पहाड़ काटने वाला फरहाद, वो भी आखिरकार ज़मीन से हार गया, उसको भी आखिर में ज़मीन में दफन होना पड़ा। और दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, ठीक है, बड़े बड़े लोग, सभी को जो है ना इसी ज़मीन में दफन होना है। यहाँ तक कि मैं भी इंतकाल कर जाऊँगी तो मैं भी इसी ज़मीन में दफन हो जाऊँगी, चाहे इंसान अपनी ज़िंदगी में कितने भी बड़े पोस्ट पर क्यों ना हो, ज़मीन से हार ही जाता है। ठीक है, बुलंद हो तो खुले तुझ पे ज़ोर पस्ती का, बड़े बड़ों के कदम डगमगाए हैं क्या क्या। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो लोग बुलंदी पर होते हैं ना, उन्हीं को पता होता है पस्ती का हाल, यानी कि उन्हीं को पता होता है कि नीचे गिरने के बाद, ज़मीन पर गिरने के बाद क्या हाल होने वाला है। बड़े बड़ों के कदम डगमगाए हैं क्या क्या, यानी कि इसी वजह से जो लोग बुलंदी पर होते हैं उनके कदम डगमगा जाते हैं, वो नीचे जब देखते हैं ना, वो बुलंदी पर होते हैं और जब वो नीचे देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि नीचे गिरने के बाद हमारा क्या हाल होने वाला है, और इसी वजह से उनके कदम डगमगाने लगते हैं। लेकिन जो लोग ऑलरेडी ज़मीन पर है, जो पस्ती पर है, मतलब निचले लेवल पर है, उनको क्या पता कि ऊपर से नीचे गिरने के बाद क्या हाल होता है। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है, खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो ज़ेबा है, वह लग्जिशों पे मेरी मुस्कुराए हैं क्या क्या। यहाँ पर जो है ना यगाना चंगेज़ी का कहना है कि मैं रास्ते से जा रहा था और लड़खड़ा कर मैं गिर पड़ा, जब मैं लड़खड़ा कर गिर पड़ा तो किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, यानी कि मुस्कुराहट आ गई, किसी ने मुस्कुराया,
और जब मेरे लड़खड़ा कर गिर जाने पर किसी के चेहरे पर मुस्कान आई ना, तो ऐसा लग रहा था कि मैं अपने कदम को, अपने पैर को उठाकर चूम लूँ, क्योंकि मेरे लड़खड़ा कर गिर जाने की वजह से ही किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हो सकता है कि वो जिसके चेहरे पर मुस्कान आई वो उनकी महबूबा हो, जो भी हो, ठीक है। मतलब इसका, इस शेर का मतलब यही हुआ कि अपने कदम को वो उठाकर चूम लेना चाहते हैं, क्योंकि वो लड़खड़ा कर गिर गए तो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, ठीक है। खुदा ही जाने ये गाना मैं कौन हूँ, क्या हूँ, खुद अपनी ज़ात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या, ये लास्ट लाइन है। और यहाँ पर ये अपना तखल्लुस ये गाना यूज़ किए हैं, बोल रहे हैं अपने आप को कि खुदा ही जाने ये गाना मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, खुद अपनी ज़ात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या, यानी कि खुद मुझे अपनी ज़ात पे शक होता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, खुदा ही जाने। तो यहाँ पर ये पहली गज़ल कंप्लीट हो गई और चैप्टर नंबर 20 इसी के साथ कंप्लीट हो गया। अब चलिए 21 नंबर चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते हैं। दूसरी गज़ल के शुरुआत में लिखा गया है कि मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। बहुत ही खूबसूरत शेर है। यहाँ पर ये गाना चंगेज़ी जो है ना, अपने आप को और अपने दिल को अलग अलग बताए हैं, यानी कि बोल रहे हैं कि मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, यानी कि यहाँ पर यगाना चंगेज़ी का कहना है कि मैं और मेरा दिल दोनों अलग अलग हैं, और मेरे दिल ने खता की है, मेरे दिल ने गलती की है, तो मैं अपनी दिल की खता पर क्यों शर्माऊँ, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता, यानी कि मेरे दिल ने जुर्म किया है, मेरा दिल पराया है, ठीक है, और मैं पराया जुर्म अपने नाम क्यों लिखवाऊँ, मेरे दिल ने खता की, मेरे दिल ने गलती की है, ठीक है, तो मैं क्यों शर्माऊँ। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, मेरे दिल ने खता की है इसी वजह से मुझे शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता, यानी कि मेरा दिल पराया है, उसने जुर्म किया है और मुझे पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐ ना खुदा आखिर किसी को मुंह दिखाना है, बहाना करके तन्हा पार उतर जाना नहीं आता। यहाँ पर बोल रहे हैं कि सामने हमारे नदी है और नदी को पार करना है, पीछे सभी लोग खड़े हैं, ठीक है, और नदी पार करके मुझे जाना है, और मुझे ऐ नाखुदा, नाखुदा कहते हैं नदी पार कराने वाले को, ठीक है, बोल रहे हैं कि मुझे इस नदी को पार करके जाना है, अगर मैं अकेले चला गया इस नदी को पार करके तो फिर मुझे नदी के उस पार उतरकर मुंह भी तो दिखाना है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मेरे पीछे जितने भी लोग खड़े हैं सभी को मैं इस नदी को, जितने भी लोग मेरे पीछे खड़े हैं सभी को मैं नदी पार करा दूं, और तब मैं लास्ट में इस नदी को पार करूं, क्योंकि उस नदी के पार जाकर मुझे अपना मुंह भी तो दिखाना है, मैं क्या कहूंगा कि मैं अकेले चला आया, बाकी सभी लोगों को छोड़ दिया, तो इसी वजह से मैं चाहता हूं कि सभी लोगों को पहले नदी पार करा दूं, तब मैं लास्ट में जाऊं। मुसीबत का पहाड़ आखिर किसी दिन कट ही जाएगा, मुझे सर मार कर तीसरे से मर जाना नहीं आता। यहाँ पर यह गाना चंगेज़ी का कहना है कि मुसीबत, इंसान की ज़िंदगी में मुसीबतें, परेशानियाँ आती हैं, और हमेशा के लिए नहीं आती हैं, कुछ दिनों के लिए आती हैं। तो मुसीबत का पहाड़ आया हुआ है हमारी ज़िंदगी में, और ये मुसीबत का पहाड़ आखिर किसी दिन कट ही जाएगा, लेकिन मैं इन मुसीबतों को, इन परेशानियों को देखकर घबराकर क्या पत्थर से सर मारकर मर जाऊं? नहीं, मुझे पत्थर से सर मारकर मर जाना नहीं आता। तीसरे का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। तो मुसीबत और परेशानियों को देखकर घबराना नहीं चाहिए, झल्लाना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डट कर सामना करना चाहिए। और वही चीज़ यहाँ पर यगाना चंगेज़ी भी बता रहे हैं कि मुझे, मैं घबरा कर तीसरे से, यानी कि पत्थर से सर मारकर मरना मुझे आता ही नहीं है, यानी कि मैं पत्थर से सर मारकर मुझे मरना नहीं आता, मैं परेशानी और मुसीबतों से लड़ना जानता हूँ और मैं उससे डट कर सामना करूँगा। दिले बेहौसला है एक ज़रा सी ठेस का मेहमा, वह आंसू क्या पिएगा जिसको गम खाना नहीं आता। यहाँ पर बोला जा रहा है कि दिले बेहौसला है, दिल जो है ना ये बेहौसला है, एक ज़रा सी ठेस का मेहमा, एक ज़रा सी ठेस क्या लग जाती है, दिल में दर्द होने लगता है, वह आंसू क्या पिएगा जिसको गम खाना नहीं आता। वह इंसान आंसू क्या पिएगा जिसको गम खाना नहीं आता, जिसके ज़िंदगी में कभी गम मिला ही ना हो, वो तो उसके आँख से आंसू निकल ही जाएंगे ना, लेकिन वो इंसान जिसके ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुख, दर्द, तकलीफ़ और गम मिला हो, वो उस चीज़ का आदी हो जाता है, वो अपने गम को छुपा लेता है, यानी कि वो अपने आंसू को पी लेता है, वो अपने दर्द को ज़ाहिर नहीं होने देता। लेकिन वो इंसान जिसको ज़िंदगी में कभी गम मिला ही ना हो, वो क्या आंसू पिएगा, उसके आंखों से तो आंसू निकल ही जाएंगे, ठीक है। असीरों शौक की आज़ादी, मुझे भी गुदगुदाता है मगर चादर से बाहर पांव फैलाना नहीं आता। यहाँ पर बोल रहे हैं असीरों
गाना चंगेजी का कहना है कि असीरों यानी कि गुलामों शौक की आज़ादी मुझे भी गुदगुदाता है, यानी कि जो आज़ादी का शौक है ना वो मुझे भी गुदगुदाता है, मैं भी आज़ाद होना चाहता हूँ मगर चादर से बाहर पांव फैलाना नहीं आता, मुझको अपने चादर से बाहर पांव फैलाना नहीं आता। वही बोल रहे हैं, जितना चादर है उतना ही मैं पैर फैलाऊँ, और नहीं तो मेरे हिसाब से नया चादर खरीद कर लाओ एकदम बड़ा सा, और पूरा जितना हो सके उतना पैर फैलाओ। ठीक है, आगे लिखा गया है, लास्ट लाइन है, सरापा राज हूँ मैं, क्या बताऊँ कौन हूँ क्या हूँ, समझता हूँ मगर दुनिया को समझाना नहीं आता। यहाँ पर यह गाना चंगेज़ी का कहना है कि सरापा राज हूँ यानी कि सर से लेकर पैर तक मैं राज ही राज हूँ, क्या बताऊँ कौन हूँ मैं क्या हूँ, समझता हूँ मैं खुद लेकिन दुनिया को समझाना नहीं आता। ठीक है, कौन हूँ क्या हूँ मैं खुद समझता हूँ मगर दुनिया को समझाना नहीं आता। और यहाँ पर फाइनली दूसरी गज़ल भी कंप्लीट हो गई, दूसरी गज़ल का भी पढ़कर मैं तशरीह कर दी यानी कि अर्थ मीनिंग बता दी। आई होप आप लोगों को दोनों गज़ल का मतलब समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया है तो फटाफट लाइक कर दें वीडियो को, लाइक तो बनता है, और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि हाँ दोनों चैप्टर बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया है, कंप्लीट हो गया है दोनों चैप्टर, राइटर के बारे में भी आप लोग समझ गए, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब आप लोग इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखिए, बैक करके अब क्या मोबाइल को रख देंगे, नहीं, आप लोग वीडियो को ज़रा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो फाइनली यहाँ पर दोनों चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया, किसी भी तरीके से कहीं से भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे आप लोग के एग्ज़ाम में तो छोड़ कर नहीं आना है। ठीक है, 100% करेक्ट आंसर बनाकर आना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।